गई और इसमें भी लगा है और इधर साइलेंसर का कवर टूट गया है। सो वेलकम बैक माई डियर फ्रेंड्स और सभी को जय श्री राम। तो कल के वीडियो में आपने देखा कि मैं क्रैश कर गया था और मारुति का थोड़ा हालत ख़राब हो गया था। क्या क्या टूटा था आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो कैमरामैन थोड़ा सामने आ जाओ। तो आप लोग देख सकते हैं ये ब्रेक लीवर टूट गया था मेरा, जो कि यहाँ पर स्क्रैच आया था, और ये एक साइलेंसर कवर या साइलेंसर मफलर इसको बोलते हैं, ये टूट गया था। और सबसे बड़ी बात कि मैं क्रैश कैसे हुआ था मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी। बात ऐसे है कि आप लोग अगर यामाहा वाले हैं या फिर आप अगर ABS यूज़ करते हैं तो मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे। कि अदर गाड़ी का मुझे पता नहीं, यामाहा में क्या होता है जब आप ABS को लेते हैं तो एक नैनो सेकंड के लिए टायर आपका स्लिप करता है, स्किड करता है, ठीक है। उसके बाद ABS एक्टिवेट होता है, उसके बाद आपको गाड़ी को स्लिप करने नहीं देता, लेकिन एक सेकंड के लिए स्लिप होती है गाड़ी। तो मेरा केस में क्या था कि टर्न में ले रहा था, जैसे ही टर्न ले रहा था वहाँ पे बहुत सारा सैंड था, बालू था, रेत था, पूरा स्ट्रेट गाड़ी नहीं थी मेरी और गाड़ी थोड़ा सा टेढ़ा था मेरा और यू टर्न लेना था मुझको और वहाँ पर रेत था। तो जैसे ही मैंने ABS को ट्राई किया और स्पीड आपको बताऊँ 7 या 8 का स्पीड था, ठीक है। अगर मैं व्हीली करता, स्पीड पर रहता और गिरता तो मुझे अफसोस नहीं होता, पर मैं 7 या 8 स्पीड में गिर गया उस दिन, इसलिए मुझे अभी भी अफसोस हो रहा है। और उसमें हुआ क्या, जैसे ही मैंने लिया तो एक सेकंड के लिए जो ABS स्किड करता है टायर को, उस स्किड में मैं गिर गया गाड़ी के साथ। और जैसे ही गिरा इस इधर से गिरा और ये हैंडल मेरा इधर आ गया था, इस टाइप का हैंडल आ गया, तो यहाँ पे सारा प्रेशर पड़ा और ये मेरा क्लच ब्रेक लीवर ख़राब हो गया था। ब्रेक लीवर ख़राब हुआ था, इसका ये पे स्क्रैच आ गया था। पुराने वीडियो के मैं क्लिप डाल दूंगा क्या क्या ख़राब हुआ था, और साइलेंसर कवर या मफलर पूरा ख़राब हो गया था। तो अभी मैंने सब कुछ बना लिया, आप लोग देख सकते हैं मारुति हैज़ बिन फुल्ली रिकवर्ड और पूरा फिट एंड फाट मारुति हो चुका है। तो मुझे इस पे कॉस्ट क्या पड़ा और मेरे को क्या करना पड़ा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ा, वहाँ पे बात किया मैंने कि देखिए ये सब बात, वहाँ पे मैंने बात किया कि देखिए मेरे गाड़ी पे ये सब हो गया है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इंश्योरेंस क्लेम कराते हैं तो मैं आपकी गाड़ी को 5 दिन के लिए रखूँगा अपने पास। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं गाड़ी को तो यहाँ नहीं रख सकता, अब क्या करो पार्ट्स का पैसे ले लो और मेरे को पार्ट्स तुरंत लगा के दो। तो उन्होंने वही किया, इसका मेरे को पड़ गया करीबन 400 के आसपास क्लच लीवर का, जो कि ये था मेरा पुराना वाला जो कि मैंने चेंज करवा लिया है, और इसका पड़ा मेरे को 550 मफलर का, साइलेंसर मफलर का, और ये दोनों बेसिक चेंज हुआ। और इसका पड़ा मेरे को 100 रुपये, कैमरामैन थोड़ा सामने आ जाओ, इस चीज़ का मेरे को पड़ा 100 रुपये, 102 या 103 रुपये इसका ये पड़ा। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये डुअल टोन में हमारा साइलेंसर है, तो एक वाइट भी है, तो इस पर भी स्क्रैच आ गए थे, पर मैंने इसमें चालाकी किया क्योंकि माइनर स्क्रैच थे। इस पर मैंने रेडियम मरवा लिए, बाइक ही के कलर का, मारुति का ही कलर का मैंने करवा लिया, तो पता नहीं चल रहा है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारी गाड़ी फुल्ली रेडी है, बहुत कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर से हमारी मारुति चलने के लिए रेडी है। और मैं अचानक मतलब 7 के स्पीड में गिर गया, आप लोग समझ सकते हैं एकदम नॉर्मली, और मेरे को कहीं नहीं लगा। और जहाँ तक मेरी बात है, थोड़ी के अमर हैं चूतिया नहीं, व्हीली अगर करता और मैं गिरता तो मेरे को अफसोस थोड़ा होता, मतलब अफसोस नहीं होता कि चलो मेरी गलती से मैं गिरा, पर मेरी गलती थी ही नहीं, मैं नॉर्मली गिरा। तो दैट्स इट, यही था आज के वीडियो में, यही मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि मैं कैसे गिर गया था उस दिन, और सारे ये सामान चेंज हो गए। और अगर आप लोग इंश्योरेंस क्लेम कराते, अगर यही मैं इंश्योरेंस क्लेम कराता मेरे को सारे सामान का पड़ा 1100 या 1000, ठीक है। तो यही अगर इंश्योरेंस में क्लेम कराता मेरे को सिर्फ देना पड़ता 1000 रुपये, क्योंकि 90% कंपनी देती है और 10% ऑनर को देना पड़ता है। तो पर मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मैं एक सप्ताह किसी को अपनी गाड़ी नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने फटाफट सामान लगा लिया अपने ही पैसों से। और अगर ये टंकी वगैरह ख़राब होता तो मेरे को देना ही पड़ता, क्योंकि ये सब का कॉस्ट 1000 रुपया चल जाता है, तो उस टाइम पे इंश्योरेंस क्लेम मैं करवा सकता था, पर अभी मैं नहीं करवाया क्योंकि मेरे को गाड़ी तुरंत चाहिए था। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, एंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी इन योर लाइफ और सेफ ड्राइव।